हेलो एवरीवन, आज करेंगे हम डिस्कस इंड एज बारा इनकम टैक्सेस एंड वी विल कंपेयर इट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 टैक्सेस ऑन इनकम। दोस्तों, टैक्सेस ऑन इनकम और इनकम टैक्सेस, ये दोनों स्टैंडर्ड्स का पूरा फंडामेंटल लॉजिक ही अलग है। दोनों का उद्देश्य बिल्कुल एक ही है, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग है। यू कह लीजिए कि इंड एज 12 और एएस 22 दोनों की मंजिल एक है, लेकिन रास्ते एकदम अलग अलग है। इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम कह सकते हैं कि हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इंड एज 12 डिस्कस करेंगे, विच इज इनकम टैक्सेस, और सेकेंड पार्ट में हम इस इंड एज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पहला पार्ट बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरली सिर्फ और सिर्फ इंड एज 12 का डिस्कशन कर रहे हैं। अनलेस एग्जाम में कोई इंड एज 12 का क्वेश्चन आए, जिसके चांसेस कम लगते हैं, ओल्ड कोर्स वालों के लिए इसका रेलिवेंस कम होगा। न्यू कोर्स स्टूडेंट के लिए इंड एज 12 का डिस्कशन मैं शॉर्ट एंड कंसाइज रखूंगा, जिसमें आई विल कवर अप द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑन विच दिस इंड एज इज बेस्ड, एंड वी विल यूज अ पर्टिकुलर टेक्निक विच वी यूज इन आर क्लास जस्ट टू गेट दिस इंड एज वेरी वेल इन योर हेड्स। दोस्तों, व्हाट आई हैव डन इज इंड एज 12 इनकम टैक्सेस कि यहाँ पे जो मैं स्लाइड यूज़ करूँगा, इनफैक्ट जो नोट्स यूज़ करूँगा, ये मेरी FR फास्टर बैच के नोट्स हैं। आई एम नॉट यूजिंग द नोट्स ऑफ द रेगुलर बैच, बट आई एम यूजिंग द बोर्ड नोट्स ऑफ द CA फाइनल FR फास्टर बैच। एक FR फास्टर की हमारी बैच है, जिसमें इन समवेयर अराउंड 40 लेक्चर्स वी विल बी कवरिंग द होल ऑफ CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस। 40 लेक्चर में टेंटेटिवली हमारा पूरा FR का सिलेबस कवर करेंगे, एंड दिस इज एक्चुअली मेंट फॉर दोस सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू बेसिकली डू FR वेरी वेल, बट दे डोंट हैव अ सेट ऑफ टाइम अवेलेबल टू टेक द होल बैच। यानी वो बैच एज सच उन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। ऑडिट फास्टर की हमने जैसी एक बैच ली थी मुंबई में, ये FR फास्टर की बैच है जो पेन ड्राइव में अवेलेबल है। दिस बैच इज बेसिकली रेलेवेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन FR एंड आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। दिस विल बेसिकली कवर अप ऑल द टॉपिक्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द क्वेश्चंस। हाउएवर, वी विल रिड्यूस द क्लास टाइमिंग बाय गिविंग यू प्रिंटेड नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी थिंग इन एडवांस, सो दैट वी सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन राइटिंग द थिंग्स। The question coverage will be slightly a little lesser in that batch. Anyways, अभी हम आते हैं इंड एज 12 इनकम टैक्सेस के ऊपर। दोस्तों, इंड एज 12 इनकम टैक्स का बेसिक फंडामेंटल लॉजिक समझिए। जब AS 22 नहीं हुआ करता था टैक्सेस ऑन इनकम, तो अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स एक बहुत ही सिंपल लॉजिक से होती थी कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जितना मुझे इस साल टैक्स देना बनता है, उतना प्रोविजन फॉर टैक्स मैं बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता था। P&L में वही मेरा टैक्स एक्सपेंस दिखता था और उतने का ही प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाता था, लेस एनी एडवांस टैक्स। बट आप सभी लोग समझते हैं कि अकाउंट्स में आप जो प्रॉफिट दिखाते हो इनकम टैक्स में, वो सारे के सारे प्रॉफिट इसी साल में टैक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इसका मतलब यह हुआ कि कई बार टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं। मतलब जो अकाउंट्स में आपने प्रॉफिट इस साल बुक किया, हो सकता है इनकम टैक्स में वो आने वाले सालों में टैक्स हो। जैसे कि आपके फॉरेन करेंसी बैलेंस पर आपने क्लोजिंग रेट से उसे कन्वर्ट करने पर कोई गेन बुक किया, जो हो सकता है इनकम टैक्स में इन द ईयर व्हेन यू रियलाइज और पे द फॉरेन करेंसी बैलेंस विल बी टैक्स्ड। तो अकाउंट्स में वो गेन इस साल बुक हो गया, लेकिन उसकी इनकम इनकम टैक्स में इस साल टैक्स नहीं हुई, लेकिन आने वाले सालों में टैक्स होगी। ऐसे डिफरेंसेस को AS 22 कहता था टाइमिंग डिफरेंसेस। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, इस साल अगर आपने बुक्स में कोई भी इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, इनफैक्ट अगर मैचिंग प्रिंसिपल की परिभाषा देखे तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है यू शुड मैच योर एक्सपेंस टू योर रेवेन्यूज। यानी जिसकी आपने इनकम बुक करी है, आपको उसका खर्चा भी बुक करना चाहिए। तो अगर आपने फॉरेन करेंसी गेन बुक किया है, तो आपको उसका करस्पॉन्डिंग इनकम टैक्स भी बुक करना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि ये फॉरेन करेंसी गेन इस साल में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि एज पर टैक्स लॉज दिस विल बी टैक्स्ड ऑन रियलाइजेशन और पेमेंट।
Hence, in this particular case, this foreign currency gain income has been recognized, but इस पे कोई corresponding tax इस साल payable नहीं है, but क्योंकि आने वाले साल में payable होगा, AS22 कहता था कि आप इस income पे जो tax आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा, आप उस particular tax को इसी साल books में expense book कर दो, पर क्योंकि ये current tax payable नहीं है, ये आने वाले समय में pay करना होगा, इसे नाम दे दीजिए deferred tax liability. अपोजिट भी हो सकता था, आपने इस साल कोई खर्चा बुक किया है, ये जो खर्चा आपने बुक किया है कोई 43B आइटम से रिलेटेड है, सेक्शन 43B आइटम में आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, खर्चा आपने अक्रूअल बेसिस पे बुक किया है, आपने प्रोविजन फॉर बोनस बनाया है, ये प्रोविजन फॉर बोनस बुक्स में एक्सपेंस दिखा है लेकिन इनकम टैक्स में डिसअलाउ हुआ, तो इस साल आपने टैक्स ज्यादा पे किया, लेकिन आने वाले साल में जब बोनस आप पे करोगे तो आपको टैक्स कम पे करना होगा, तो अगर आपने खर्चा बुक किया है तो इस खर्चे का करस्पॉन्डिंग बेनिफिट भी आप बुक कर सकते हो. तो इस साल आप जो टैक्स पे कर रहे हो ज्यादा पे कर रहे हो, पर अगले साल आपको कम पे करना होगा जब आप ये 43B आइटम का पेमेंट कर दोगे. हेंस आप इस पर्टिकुलर आइटम पे सब्जेक्ट टू प्रूडेंस एक डेफर्ड टैक्स असेट बुक कर सकते हो. ये लॉजिक से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी और उसके करस्पॉन्डिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और रिकवरी ऑफ एक्सपेंस बुक कराता था. इनकम टैक्स में सारा फंडामेंटल जो होता था वो पूरा होता था किसके ऊपर बेस्ड, इट यूज्ड टू बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन P&L. दैट मींस हम बेसिकली देखते थे कि हमने खर्चा अकाउंट्स में कितना बुक किया है, टैक्स में कितना, इनकम अकाउंट्स में कितनी बुक की है, टैक्स में कितनी. इंड एज में हम बोलते हैं कि हर वो चीज जो P&L में जा रही है उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो बैलेंस शीट पे ही आएगा, और क्योंकि बैलेंस शीट पे इफेक्ट आएगा इसलिए इंड एज पूरा बैलेंस शीट अप्रोच पर बेस्ड है. इंड एज 12 कहता है कि सबसे पहले आप इस साल में जो आपका टैक्स पेबल है उसे तो आप करंट टैक्स एक्सपेंस बुक एक्सक्यूज मी करंट टैक्स एक्सपेंस बुक कर दो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे AS22 में करते थे. लेकिन इसके अलावा अब आप देखिए कि आपके कितने टेम्पररी डिफरेंसेस हैं, आप टाइमिंग भी बोल सकते हो, इंडेस टेम्पररी डिफरेंस शब्द यूज करता है और बोलता है इंटरचेंजेबली इसे टाइमिंग डिफरेंस से भी रेफर किया जाता है. तो इंडेस कहता है कि आपका इस साल जो टैक्स पेबल है वो तो खर्चा बुक कर दो, इसके अलावा आप ये देख लो कि आपके कितने टेम्पररी डिफरेंसेज हैं, उन्हें क्लासिफाई कर दो दो कैटेगरी में, वन इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, अदर इज डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस. टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस पर डिफर्ड टैक्स असेट बनेगा. एएस में देर यूज टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंस इन टाइमिंग डिफरेंस. वो कहता था डिविडेंड इनकम अगर आपको मिली है तो आपने इनकम बुक की है लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग टैक्स पे नहीं किया और आगे भी पे नहीं करना है, तो ये टाइमिंग नहीं परमानेंट डिफरेंस है. इंड एएस इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ टाइमिंग एंड परमानेंट डिफरेंस, इट ओनली सेज यूड सी द बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट देख के समझिए क्या कोई टेम्पररी डिफरेंस है, और अगर है तो उस पर DTA या DTL बना दीजिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन गिवन इन द इंड एएस. सो इन दैट सेंस हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस एज पर इंड एज 12 दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स एक्सपेंस एंड देन वील हैव डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस. करंट डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स का कारण है टेम्पररी डिफरेंस, डिडक्टेबल हुए तो उससे DT. इफ दीज आर डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंसेज दिस विल लीड टू क्रिएशन ऑफ DTA, टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंसेज विल लीड टू क्रिएशन ऑफ DTL. टेम्पररी डिफरेंसेस कैसे आते हैं इसका मतलब ये समझना अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई अल्टीमेटली टेम्पररी डिफरेंस क्या है, और टेम्पररी डिफरेंस के लिए इंडेस कहता है टेम्पररी डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस. कैरिंग अमाउंट तो आप समझ गए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी बैलेंस शीट में असेट या लाइबिलिटी प्रेजेंट की जा रही है, बुक वैल्यू जिसे आप बोलते हो वो कैरिंग अमाउंट है, तो उस पर तो कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, यानी हमारा पूरा डिस्कशन आके रुक जाएगा किस पे, टैक्स बेस पे. टैक्स बेस कैसे निकालना है, अगर आप इंडेस पढ़ो तो बोलता है इंडेस कहता है कि टैक्स बेस क्या है, टैक्स बेस इज बेसिकली द वैल्यू एट विच एन असेट और लाइबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर द टैक्स लॉस.
और फिर वो डिफाइन करता है कि टैक्स बेस, अगर हम असेट की बात करें तो असेट्स के केस में टैक्स बेस की डेफिनेशन वो देता है कि आने वाले समय में असेट से जो पैसा हमें मिलेगा उसमें से जितने पैसे का हमें डिडक्शन इनकम टैक्स में मिल जाएगा वो टैक्स बेस है। दैट मीन्स आपने 100 रुपए की असेट खरीदी और इनकम टैक्स में 20% डिप्रिसिएशन है, तो 1 साल बाद वो 80 पे आएगा इनकम टैक्स में। लॉजिक ये है कि आने वाले समय में अगर आपने उसे बेचा तो बेचने पे जो पैसा आपको मिलेगा उसमें 80 रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ही आपका गेन आएगा जिस पे आप टैक्स दोगे। इसका मतलब 80 रुपए उसका कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स लॉज है, दैट इज द टैक्स बेस अमाउंट विच विल बी डिडक्टेबल व्हेन कैश फ्लोज और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लोज फ्रॉम दी असेट। ये टैक्स बेस है असेट का। लाइबिलिटी के केस में टैक्स बेस निकालने के लिए हमें लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। इंड एज कहता है कि अगर लाइबिलिटी आपकी प्रोविजन पेबल्स के नेचर की है, जहां पे हमें किसी को पैसा देना है, प्रोविजन फॉर बोनस, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, डिबेंचर्स इश्यूड, इन सब केसेस में टैक्स बेस कैसे निकाला जाएगा, तो वो कहता है आने वाले समय में जितने अमाउंट का हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा वो हमारा टैक्स बेस है। इसका मतलब यह है कि आपने कोई प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बुक किया है जो इनकम टैक्स में भी प्रोविजन बेसिस में अलाउेबल है, तो आने वाले समय में जब आप उसका आउटफ्लो करोगे, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे, तो आप जब फ्यूचर में उसे पे करोगे तब उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप आज ही ले चुके हो। तो इसका मतलब आने वाले समय में आपको उस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलना है, तो वो अमाउंट आपका टैक्स बेस है। तो जैसे आपने 100 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी बुक करी है, फ्यूचर में पे करने पे वापस डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मिल चुका है, तो टैक्स बेस 100 रुपए हो गया, अमाउंट विच विल नॉट बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन देर आर आउटफ्लोज फ्रॉम द लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर बोनस इनकम टैक्स में आपने इस साल क्लेम नहीं किया है, तो जब आप पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा, तो आपका कैरिंग अमाउंट प्रोविजन फॉर बोनस का सपोज 1,000 है और फ्यूचर में आपको पूरे 1,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो आपका टैक्स बेस 0 हो गया। यानी ऐसा कहते हैं कि जिसका डिडक्शन आने वाले समय में हमको नहीं मिलेगा, या ऐसा कह सकते हैं कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट विच विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर इज द टैक्स बेस एज पर इनकम टैक्स फॉर लाइबिलिटीज। बात सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फॉरेन करेंसी क्रेडिटर था 100 रुपए का, पर एक्सचेंज रेट गिर जाने से 90 पे आ गया। फ्यूचर में जब आप इसका पेमेंट करोगे तो आपको 100 रुपए था पेमेंट करने तक कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसका टैक्स बेस 100 ही माना जाएगा। द टैक्स बेस फॉर दिस विल बी 100 ओनली। सिमिलरली आपको कोई एडवांस सप्लायर से मिला है 100 रुपए का और फ्लक्चुएशंस होने के कारण कैरिंग अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन था क्योंकि आपको एडवांस मिला है फॉरेन कस्टमर से, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होने से 100 से आपने उसको 90 पे दिखा दिया, लेकिन फ्यूचर में आप देखें तो आपको जो पैसा उससे मिलेगा आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल सिंपली से आज मेरा कैरिंग अमाउंट 90, 90 माइनस फ्यूचर में कितना पैसा ऐसा है जो मिलेगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आई वुड रादर से कि यार मुझे तो 100 रुपए जब तक, इनफैक्ट पूरा का पूरा मेरा देखा जाए तो पैसा देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकली आई विल हैव टू पे द 100% ऑफ द मनी, आई विल हैव टू ऑफर इट इन टैक्स। अगर मैंने आज उसको टैक्स नहीं किया है तो पूरा का पूरा 100 रुपया मेरा क्या बन जाएगा, टैक्स बेस। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आपको इससे समझ में आ गया होगा कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग इन अ पर्टिकुलर सेंस। इसी तरह से डिफाइन किया गया है इंड एज में, बट ये अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है एज सच। बिकॉज ऑफ दिस वॉट वी डू इज वी यूज अ डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर, एंड इन दैट पर्टिकुलर टेक्निक वॉट वी डू इज वी बेसिकली क्रिएट अ टैक्स बैलेंस शीट, एंड बेस्ड ऑन दैट टैक्स बैलेंस शीट वी आइडेंटिफाई द टैक्स बेस एंड द कैरिंग अमाउंट, कंपेयर इट एंड फाइंड इट वॉट विल बी द टेम्पररी डिफरेंस एंड वेदर इट विल बी डिडक्टेबल और टैक्सेबल। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे प्रैक्टिकली आप हर सवाल इन डेज 12 का, जहां आपको डिफरेंस निकालना है, उसका नेचर पता करना है और पता करना है डीटीए डीटीएल क्या बनेगा, सॉल्व कर सकते हैं।
सो लेट अस कम टू दैट पर्टिकुलर टेक्निक. बिफोर दैट प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ असेट और लाइबिलिटी में ही कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट होता है. इक्विटी में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस. हेंस जो भी आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है उसे आप टैक्स बैलेंस शीट से कंपेयर नहीं करेंगे, यानी इस पर कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा. इसके अलावा देर इज अ पैरा 15 एंड 24 एक्सेप्शन जो कहता है कि कुछ केसेस में आप किसी प्रकार का कोई डिफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी का क्रिएशन नहीं करेंगे, जो एक्सेप्शन अभी हम कुछ समय बात पढ़ेंगे. पहले अपन ये बेसिक फंडामेंटल समझ. एक चीज और ध्यान रखना, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस डीटीएल या डीटीए क्या क्रिएट करेगा ये डिपेंड करेगा. असेट्स के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ डीटीएल. लेकिन अगर लाइबिलिटीज के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है डी आपके टैक्स बेस से तो इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ डीटीए. सिमिलरली कैरिंग अमाउंट अगर आपका कम है टैक्स बेस ज्यादा है तो असेट्स में इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ डीटीए, लाइबिलिटी में इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ डीटीएल. ये सारे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी टेक्निक रख रहा हूं. इस टेक्निक की दोस्तों इसकी खूबी इसकी सादगी में है. समटाइम्स द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू डिराइव. आई थिंक ऐसा ही एक प्रयत्न हमने किया है इंड एज 12 के संदर्भ में. दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कैसे डीटीए डीटीएल का क्रिएशन करेंगे इसके बारे में अपन डिस्कशन करें. इसको करने के लिए हमें सिंपली किसकी जरूरत है, वी आर बेसिकली ओनली इन द नीड ऑफ व्हाट अ टैक्स बैलेंस शीट. मैं कहता हूं सपोज लेट से फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग बेसिकली व्हाट अ बैलेंस शीट. लेट से दिस इज एन ओपनिंग बैलेंस शीट. मैं हमेशा टिप देता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि टैक्सेस ऑन इनकम के सारे सवाल, इनकम टैक्स के सारे सवाल, डीटीए डीटीएल के सारे सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग अप्रोच को प्रेफर करें अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है तो. ओपनिंग बैलेंस शीट में आप यू समझिए कि लेट अस हैव वन बैलेंस शीट फिगर, ओपनिंग फिगर इन द बैलेंस शीट एज पर अकाउंट्स, लेट अस हैव इट एज पर टैक्स एंड लेट अस फाइंड द डिफरेंस एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिफरेंस, वेदर इट इज deductible temporary difference or it is taxable temporary difference. So we will try to identify it like this. ये चीज अपन year end पे भी कर सकते हैं, देखेंगे कि as per accounts कितना है, as per tax कितना है, दोनों में difference क्या है और difference का nature deductible या taxable temporary difference. ऑब्वियसली बात है जो हम अकाउंट्स में वैल्यू की बात कर रहे हैं उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, दिस इज द वैल्यू विच इज नोन एज कैरिंग अमाउंट, दिस इज नोन एज टैक्स बेस. नाउ लेट अस सी, टेक एनी एग्जांपल. शुरुआत नॉर्मली हम करते हैं सबसे आसान एग्जांपल से, फिक्स्ड एसेट्स पीपी. सपोज मैंने एक पीपी खरीदा 100 रुपए का, टैक्स में भी ये 100 पे ही रिकॉर्ड हुआ होगा, ईयर बिगनिंग पे रिकॉर्ड किया. 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि इस पीपी पे डेप्रिसिएशन की रेट जो है वो अकाउंट्स में 10% एसएलए में और इनकम टैक्स में 20% डब्ल्यूडीबी है. 1 साल बाद ये पीपी अकाउंट्स में 90 रुपए पे आएगा, टैक्स में 80 रुपए पर आएगा. हाँ वो सब भूल जाओ जो मैंने अभी डेफिनेशन में कहा कि टैक्स बेस का मतलब असेट्स के केस में फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, या कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट विच वुड बी टैक्स्ड इन फ्यूचर. वो सब हटा दो दिमाग से, अब तो सिर्फ ये सोचो कि इनकम टैक्स में 100 के एसेट पे 20 का डेप्री क्लेम करने के बाद टैक्स में उसकी बैलेंस शीट वैल्यू कितनी बचेगी, 80. बस खत्म हो गई बात. अकाउंट्स में 90 है, टैक्स में 80 है, डिफरेंस 10 का है, इसका नेचर क्या होगा, इज द टैक्सेबल और विल दिस बी डिडक्टेबल. सो द आंसर इज वेरी सिंपल, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है टैक्स बेस अगर कम है इसका मतलब दिस इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. लॉजिक क्या है, टैक्स बेस कम हो गया यानी आपने ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया अभी तक, यानी फ्यूचर में कम डिडक्शन मिलेगा, तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होने के कारण दिस इज समथिंग विच विल लीड टू क्रिएशन ऑफ डीटीएल.
दोस्तों यही चीज अगर आप अकाउंट्स में करते हैं एस पर एस, पर एस क्या बोलता है, ऐसे मत बनाओ, बोलता कि आप देखो कि आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया अकाउंट्स में और टैक्स में, उसके डिफरेंस का देखो नेचर टेम्पररी है टाइमिंग या परमानेंट, और टाइमिंग है तो डीटीए डिटेल बनाओ, परमानेंट है तो इग्नोर कर दो, यहाँ वैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं। सो दिस इज बेसिकली द पीपी एडजस्टमेंट विच विल डू। तो इस तरह से आपको 10 के ऊपर जो भी आपका टैक्स रेट है उतने से आप डीटीएल क्रिएट कर देंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक लैंड परचेज करी, ये लैंड मैंने जो खरीदी इसे 1,000 रुपये की थी, टैक्स में भी इसका ओपनिंग बेस 1,000 था, साल भर बाद ऑब्वियस सी बात है ये लैंड 1,000 की 1,000 पे रही, लेकिन इनकम टैक्स में अब इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। अब इंडेक्स क्या कहता है कि आपको ईयर एंड पर क्या देखना है, बेसिकली कि इस पर्टिकुलर असेट में आप देखो कि 1,000 रुपये की असेट में आने वाले समय पे भले ही आपने इस साल कोई इसमें रिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन खर्चा इनकम एक्सपेंस कुछ बुक नहीं किया है, पर आने वाले समय में आप जनरली सोचिए इस पर्टिकुलर असेट पे क्या आपको 1,000 रुपये मिले तो टैक्स देना पड़ेगा क्या नहीं। 10% सपोज अगर इंडेक्सेशन फैक्टर है, इसका मतलब अगर ये 1,100 की हो गई तो भी आपको टैक्स नहीं देना है, यानी कि इनकम टैक्स में एक तरह से इसकी वैल्यू 1,100 तक पहुंच चुकी है। हेंस दिस विल लीड टू क्रिएशन ऑफ 100 रुपीज ऑफ डिफरेंस विच इज ऑब्वियसली अ डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, क्योंकि अब कैरिंग अमाउंट मेरा कम है और टैक्स बेस ज्यादा है। फायदा एक तरह से आने वाले समय में 100 रुपए की मैं टैक्स फ्री इनकम कमा सकता हूं ड्यू टू इंडेक्सेशन बेनिफिट। आई हैव अज्यूम्ड एन इंडेक्स फैक्टर ऑफ 100। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। से मेरा लैंड मैंने 1,000 रुपए पे खरीदा था, इसकी टैक्स में भी वैल्यू डे वन पे तो सेम ही होगी 1,000, एक साल बाद इंडेक्सेशन करके इसकी वैल्यू हो गई 1,100, अकाउंट्स में मैंने इसको रिवैल्यू कर दिया और पहुंचा दिया 1,500 पे। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाओगे तो रिवैल्यूएशन का हम कोई टैक्स इफेक्ट देते ही नहीं थे, इनफैक्ट वहां इंडेक्सेशन भी कंसिडर नहीं होता था, लेकिन इंडेक्स में दोनों कंसिडर होते हैं। अब आप तो बस ये देखो कि आज आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 1,500 रुपये और टैक्स बेस आपका कितना है 1,100 रुपये, यानी डिफरेंस कितना है 400। 400 का डिफरेंस है, सीधे सीधे बोल दो इट इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। इंटरेस्टिंग मुद्दा यह है कि ये 400 का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का आप जो डीटीए डीटीएल क्रिएशन करोगे वो कहाँ जाएगा। और मुद्दे की बात आपको इस तरह से सोचना है कि आज आपने जो इनकम बुक करी है वो कहाँ बुक करी है, उस इनकम का जो करस्पॉन्डिंग, इस इनकम का जो करस्पॉन्डिंग डीटीए डीटीएल है वो भी वहीं जाएगा जहां इनकम बुक हुई है। यानी आज आपने 500 रुपए का रिवैल्यूएशन गेन कहाँ बुक किया होगा, आई एम श्योर आपको पता है इंडेक्स में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओसीआई में जाता है, तो अगर ओसीआई में आपने 500 का गेन बुक किया है तो उस 500 का करस्पॉन्डिंग डीटीएल भी आप ओसीआई में ही बुक करोगे। एएस में कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था ओसीआई और पीआरएल का, देयर यूज्ड टू बी ओनली पी एंड एल। अब हमारा पी एंड एल जिसको एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्रॉफिट और लॉस और एक ओसीआई। आपकी आज इनकम देखा जाए तो दो तरह से डिवाइड की जा सकती है, 500 रुपए की आपकी इनकम है जो रिवैल्यूएशन का गेन है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डीटीएल भी आप कहां दिखाएंगे, यू विल शो इट अंडर ओसीआई। 100 रुपए का जो आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट है, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट के कारण आपको डीटीए क्रिएट करना होगा, लेकिन डीटीएल डीटी आपस में सेट ऑफ होते हैं, तो आप इसको आपस में सेट ऑफ करके बैलेंस शीट में नेट 400 के ऊपर क्या करेंगे, यू विल शो बेसिकली और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। What I'm trying to do is I'm just trying to take simple examples just to give you an idea in terms of how do you kind of take care of DTA DTL calculations in case of Ind AS. Let us take another example. For example, मैं बोलता हूँ investments. मैंने shares में investment किया, ये मैंने 500 रुपये में खरीदा था, इसका tax में भी obviously amount कितना आएगा 500। ईयर एंड पे मैं इसे फेयर वैल्यू पे लेके आया तो मैं इसको लेकर आया 600 रुपये पे, पर ये 500 है, डिफरेंस आ जाएगा 100 रुपए का, ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा क्योंकि एक तरह से आपने 100 रुपए की फेयर वैल्यूएशन इनकम अकाउंट्स में बुक की है लेकिन टैक्स में इस साल टैक्स पे नहीं किया, जब सेल करोगे तब टैक्स पे करना होगा, तो इसका मतलब इनकम बुक हुई है पर टैक्स आप आगे दोगे, तो इस लॉजिक से डीटीएल है, पर अपन वो लॉजिक लगाते ही नहीं, हम बोलते हैं टैक्स बेस इसका आज कितना है, 500 का था 500 ही रहा, अकाउंट्स में 600 हो गया, 100 रुपए का मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है डीटीएल, यानी कि दिस इज एक्चुअली अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस लीड टू क्रिएशन ऑफ डीटीएल।
अब अगर ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर सपोज एफपी ओसीआई है, यानी 100 रुपए की इनकम ओसीआई से बुक हुई है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग डीटीएल है ये भी ओसीआई से बुक होगा। अगर ये एफपी डीपीएल है तो इनकम पीएनएल से बुक हुई है, तो इसका करस्पॉन्डिंग डिफर्ड टैक्स का एक्सपेंस भी पीएनएल से बुक होगा। और इस तरह से आप प्रैक्टिकली किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लिया एक लोन, 1,000 रुपए का लोन है, ऑब्वियस सी बात है कि ये 1,000 का 1,000 ही रहा होगा। साल भर में कोई रीपेमेंट नहीं किया प्रैक्टिकली मैंने इसमें, तो ईयर एंड पर वैल्यू 1,000 और ये 1,000 ही रही होगी, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सपोज मैंने एज सच इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करना था, बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 0 था, 100 रुपए का ब्याज इस पे लगा जो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग 1 रुपया पे नहीं किया, तो ये मैंने 100 दिखा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पीएनएल में 100 रुपए का एक्सपेंस बुक किया है, 100 की लाइबिलिटी हो गई। अब ये सोचो क्या इनकम टैक्स में 100 का डिडक्शन मिला है, 2 मिनट के लिए मानो कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, तो इसका मतलब इनकम टैक्स में आपको इस साल इसका डिडक्शन नहीं मिला। नहीं मिला डिडक्शन तो इसका मतलब आपने इनकम टैक्स की बुक्स में एक्सपेंस बुक नहीं किया, तो लाइबिलिटी भी नहीं आई होगी, एंट्री नहीं हुई इनकम टैक्स में इसकी। उस लॉजिक से प्रैक्टिकली स्पीकिंग नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 व्हिच इज अ डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंस, क्योंकि लाइबिलिटी में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है तो ये डिडक्टेबल है, इस पे डीटीए बनेगा। सेम विल गो विद एनी काइंड ऑफ 43B आइटम्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, लेट से साल के शुरू में कोई प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी नहीं था, ईयर एंड पे मैंने 500 रुपये का प्रोविजन बनाया, इनकम टैक्स में 500 का डिडक्शन मिला ही नहीं, प्रोविजन बनाया सच वहां पे 0 का, 500 का डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, वापस से क्या बन जाएगा? दिस विल लीड टू क्रिएशन ऑफ अ डिफर्ड टैक्स एसेट। दिस इज एज सिंपल एज दिस। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एडवांस में इनकम ऑन की है, साल के शुरू में कुछ नहीं थी, ड्यूरिंग द ईयर आपने 100 रुपये की इनकम एडवांस में ऑन की, एडवांस में की है तो आपने अकाउंट्स में इसे इनकम बुक किया होगा या लाइबिलिटी लाइबिलिटी दिखाया, तो आपकी बुक्स में एडवांस इनकम नाम की लाइबिलिटी आ रही है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम की प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी वैसे इसी नाम की लाइबिलिटी आ रही है। अब आप समझिए अगर ये लाइबिलिटी आपके बुक्स में आ रही है क्या इनकम टैक्स में भी आ रही होगी, तो 2 मिनट के लिए सोचो इनकम टैक्स में मैं अकाउंटिंग करता तो कैसी करता, ये जो एडवांस मिला है ये किस बेसिस पे टैक्स होगा, ये अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होता है इनकम टैक्स में, तो वहां भी मैंने लाइबिलिटी दिखाई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 100 होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई एडवांस इनकम को मैंने लाइबिलिटी दिखाया है जो कि टैक्स में कैश बेसिस पे टैक्स होती है, तो इस साल आपने बुक्स में 100 की लाइबिलिटी दिखाई होगी, लेकिन इनकम टैक्स में जो 100 रुपये आपको मिले उसकी अकाउंटिंग आप टैक्स की बुक्स में क्या करते हैं, एज पर टैक्स लॉस करते, तो कैश टू इनकम ना कि कैश टू एडवांस इनकम, और क्योंकि इनकम बुक हो गई है हेंस वहां पर लाइबिलिटी 0 की है। यहाँ पे अब आपका कैरिंग अमाउंट एज सच क्या है, बिकॉज यू हैव पेड टैक्स ऑन 100 रुपीज इन द करंट ईयर, जो अकाउंट्स में आपने इनकम बुक नहीं किया, यानी आगे इनकम बुक करोगे तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए ये 100 का डिफरेंस डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है, इसके ऊपर वापस से क्या बनेगा डीटीए। आई थिंक गाइज दिस इज सच अ सिंपल टेक्निक जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो इवन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिचुएशंस यू विल बी एबल टू मैनेज एंड यू विल बी एबल टू बेसिकली गेट हाउ टू काइंड ऑफ कंसिडर और एडजस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने एक असेट खरीदी, ये असेट 100 की थी पर मैंने 110 की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया। अब ये असेट एज सच अकाउंट्स में अगर मैं देखूं तो 110 पे रिकॉर्ड हुई है, पर हो सकता है टैक्स बेस इसका 100 ही हो। क्यों 100 ही हो, इसका कारण बेसिकली ये है कि हो सकता है इनकम टैक्स लॉ बोलते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट था या उसके जो टैक्स बेस थे वही आगे कंटिन्यू किए जाएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ एक्वायरर ने उसे किस तरह से फेयर वैल्यू किया। इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे ओपनिंग में ही हमारा एक डिफरेंस आ गया 10 का। अब असेट्स के केस में अगर आपका टैक्स बेस कम है तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा, तो आपको इसी के ऊपर इनिशियल डेट पे पहले दिन ही आपको टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होने के कारण 10 के ऊपर डीटीएल बनाना होगा। सपोज इस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया, से डेप्रिसिएशन की रेट दोनों में सेम है 20%, तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो ये
88 का हो गया और टैक्स में ये 80 का रहा। डिफरेंस अभी भी 8 का है जिसके ऊपर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा, यानी ओपनिंग में हमारी डीटीएल 10 पे बनेगी, 30% रेट है तो 3 से, ईयर एंड पे वो 2.4 पे आ जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर डीटीएल का रिवर्सल होगा। रिवर्सल होने का कारण ये है कि इस साल आपने खर्चा 8 रुपए का ज्यादा बुक कर दिया है। एनीवेज द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू नाउ ड्राइव होम इज, हो सकता है कि इनिशियल डेट पर भी डिफरेंस आ जाए। ये सारे केस में जो इनिशियल डेट की ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फिगर्स मैंने लिए, मैंने सोचा है कि इसी दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी इसी दिन ये बुक्स में रिकॉर्ड किया। नॉर्मली आप देखोगे तो इनिशियल डेट में एज सच कभी डिफरेंस नहीं आता है दोस्त। इनिशियली जब आप रिकॉर्ड करोगे तो अकाउंट्स में और टैक्स में दोनों चीजें सेम ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि इनिशियल डेट पे एज पर इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की सारी एसेट फेयर वैल्यू पे लाई जाती है, एक्सेप्ट वो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन वाले ट्रांजैक्शन छोड़ दो। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि मर्जर के केस में जो हमारी टारगेट कंपनी के टैक्स लॉस के, सॉरी, जो टारगेट कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटी के अमाउंट्स आ रहे थे, वो टारगेट कंपनी के असेट जिस वैल्यू पर आ रहे थे वही वैल्यू हम क्या करेंगे आगे, आपको परमिट करेंगे डिडक्शन क्लेम करने के लिए। सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि टारगेट कंपनी को जितना डिडक्शन मिलता है उससे ज्यादा डिडक्शन हम एक्वायरिंग कंपनी को नहीं लेने देंगे, यानी इनिशियल डेट में ही डिफरेंस आ गया। ऐसा इनिशियल डेट का डिफरेंस दोस्तों और केसेस में आ सकता है। अब ये जो डिफरेंसेस मैं ले रहा हूँ ये समझाने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स जस्ट टू गिव यू अ बेसिक फंडामेंटल अप्रोच अंडरस्टैंडिंग ऑफ वे द इंड एस हैज बीन ड्राफ्टेड वेरी वेरी क्विकली। अब मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहां पे पहले दिन जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उसी दिन डिफरेंस आ जाएगा अकाउंट्स में और टैक्स में कैरिंग अमाउंट्स में, और इसी से मैं रिलेट करूंगा पैरा 15 और 24 का एक्सेप्शन जिसको समझना बहुत जरूरी है। एएस में परमानेंट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता था, एंड एएस में परमानेंट डिफरेंस नहीं है। पैरा 15 और 24 के एक्सेप्शंस है जहां पे डीटीए डीटीएल नहीं बनता है। अब देखिए यहां पे लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर किया। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर किया एंड आई हैव इनकर्ड दिस एक्सपेंस ऑफ 50 रुपीज, अकाउंट्स में पहले ही दिन यह खर्चा बुक हो जाएगा, क्योंकि ये पहले दिन खर्चा बुक हो गया इसलिए अकाउंट्स में असेट आया कितने पे, 0 पे। लेकिन टैक्स में ये खर्चा बुक नहीं होगा, ये असेट दिखेगा और 5 साल में हौले हौले डिडक्शन मिलेगा। साल भर बाद अकाउंट्स का 0 का 0 ही रहेगा लेकिन टैक्स में 10 का डिडक्शन मिल जाएगा, ये 40 पे आ जाएगा, यानी ओपनिंग में 50 का डिफरेंस है और क्लोजिंग में 40 का। ये डिफरेंस ऑब्वियसली क्या है, दिस इज टैक्सेबल और डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस और टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस ज्यादा है, तो असेट्स के केस में ऐसी सिचुएशन में हम इसको डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस मानेंगे, यानी ओपनिंग में मेरा 50 पे 30% अगर टैक्स रेट है तो 15 का डीटीए बनेगा, वो क्लोजिंग में 12 का बचेगा, यानी 3 का रिवर्सल होके खर्चा इस साल में बुक होगा। ये भी इनिशियल डेट का आपका क्या है डिफरेंस है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई हैव परचेज बेसिकली अ प्लांट एंड मशीन, अ पीपीई विच इज बेसिकली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाई गई या खरीदी गई पीपीई 100 रुपए की थी, पर इस पे हमें इनकम टैक्स में 125 का डिप्रिसिएशन मिलेगा, 25% एक्स्ट्रा, यानी यहां पे ही आज देखा जाए तो कितने का, 25 का डिफरेंस आ गया। ऐसे ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस दिख रहा है जिसका मुझे आज सच आज क्या करना चाहिए, आई शुड रिकॉग्नाइज व्हाट डीटीए, लेकिन इस केस में पैरा 15-24 के एक्सेप्शन के कारण डीटीए रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और अब समझते हैं पैरा 15 और 24 क्या कहते हैं। पैरा 15 और 24 दोस्तों रिलेटेड हैं किससे, फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन डिफरेंस है। लेट मी एक्सप्लेन यू इट हियर इटसेल्फ। पैरा 15 बात करता है डीटीएल की, यानी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, 24 बात करता है डीटीए की, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। पैरा 15 कहता है, सुनना बहुत ध्यान से इसको, दिस इज वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इंड एस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल। मैंने कोशिश की है दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने की इस कदर इस तरह से कि आप लॉजिकली समझ सको कि इंड एस किस अप्रोच से चीजों को बनाता है।
अगर आप लॉजिकली इन चीजों को समझ जाओगे ना दोस्तों, ऐसे इंडेक्स में आखिरी में आप देखोगे देर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल इश्यूज विच आर देयर, जो अभी अपन रिविजन में कवर नहीं करेंगे। ये स्पेशल इश्यूज के कई सारे मुद्दे हैं जो खास तौर पे आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन ऑपरेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेस, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इन सब मैटर्स से रिलेट करते हैं। इन सब का अल्टीमेट फंडामेंटल बेस समझने के लिए आपको इंडेक्स कैसे चलता है ये समझना जरूरी है। दैट इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू कवर एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन। पैरा 1524 एक्सेप्शन, पैरा 15 डीटीएल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस के लिए क्या कहता है, ये बोलता है कि जब पहली बार आप असेट रिकॉर्ड कर रहे हो तो पहली बार तो आपका असेट लाइबिलिटी जो भी है, कोई भी चीज हो सकती है असेट या लाइबिलिटी, वॉट इज इंपॉर्टेंट इज इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, यानी डीटीएल बनने वाली चीज। मैंने ये नहीं बोला लाइबिलिटी की बात हो रही है, बात असेट लाइबिलिटी दोनों की हो रही है जिससे डीटीएल बन सकता है। पैरा 15 कहता है पहले दिन आप बुक्स में जब असेट या लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हो तो आइडियली पहले दिन तो आपका अकाउंट्स में और टैक्स में दोनों में उसका बेस सेम आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पहले दिन ही उसका बेस अलग अलग आ जाए। अगर अलग अलग बेस आया है तो आप देखो कि ये ट्रांजैक्शन क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है या उसके अलावा है। अगर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है देन इन दैट पर्टिकुलर केस पहले दिन में जो डिफरेंस आ रहा है उसे आप टैक्सेबल डिडक्टेबल मान के उसके ऊपर आप डीटीएल डीटीएल का कैलकुलेशन करोगे, यानी पैरा 15 बोलता है आप उस पर डीटीएल बना सकते हो, प्रोवाइडेड वो किससे रिलेटेड है, इनिशियल रिकॉग्निशन पर टेम्पररी डिफरेंसेस अ रीजन बिटवीन द कैरिंग अमाउंट इन टैक्स बेस ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो गुडविल अराइज होती है उसके ऊपर यू विल नॉट क्रिएट अ डीटीएल। लॉजिकली आप सोचिए, मैंने एक कंपनी 100 रुपए की नेट असेट्स की जिसका मैंने फेयर वैल्यूएशन 110 किया, उसे 111 में खरीदा, तो मैं मेरी बुक्स में असेट्स नेट असेट्स 110 पे लाऊंगा, 1 रुपए की गुडविल दिखाऊंगा, जबकि इसका टैक्स बेस 100 रुपए ही होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 32 कहता है कि प्रीवियस कंपनी को जितना डिडक्शन मिलना था उससे ज्यादा डिडक्शन हम नहीं देंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार हमें 100 का ही टैक्स बेस मिलेगा, लेकिन बुक्स में 110 की असेट आई और 1 रुपए की गुडविल आई। इनिशियल डेट पे ये जो 11 का डिफरेंस है इसे दो पार्ट में बांटो, 1 रुपए गुडविल है और 10 रुपए अदर्स है। गुडविल के ऊपर कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा, अदर्स के ऊपर बनेगा, यानी आपकी असेट्स 110 की है जबकि टैक्स बेस 100 का है, तो ये जो 10 का डिफरेंस है आपका, ये 10 के डिफरेंस पे आप 30% से इसके ऊपर डीटीएल बनाएंगे क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट 110 है, टैक्स बेस 100 है, 10 के डिफरेंस पे 30% से 3 रुपए का आपको डीटीएल बनाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि जैसे ही आप 3 रुपए का डीटीएल बनाओगे आपकी नेट असेट्स कम हो जाएगी और आपकी गुडविल 1 से बढ़ के 4 हो जाएगी। दैट मीन्स इट विल अफेक्ट योर गुडविल, क्योंकि नेट असेट्स कम होगी एक्विजिशन पे तो डीटीए डीटीएल पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। अब रही बात आपने जो गुडविल रिकग्नाइज करी जो 1 से 4 हो गई, क्या ये पर्टिकुलर गुडविल का इनकम टैक्स में मुझे डिडक्शन मिलेगा क्या? Now that's a debatable matter. अगर आपने इनकम टैक्स लॉज पढ़े हो तो इनकम टैक्स लॉज में there was a very celebrated landmark decision of Supreme Court on Smith Securities Limited, जिसमें यह कहा गया था कि गुडविल amalgamation पे जो क्रिएट होती है उसका डिडक्शन दिया जाएगा, लेकिन देन यूनाइटेड बेवरीज के केस में बैंगलोर ट्राइब्यूनल ने उसके करस्पॉन्डिंग डिसीजन दिया विच वॉज कॉन्ट्राडिक्टी टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सेइंग सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो सिर्फ इसलिए था, ये बता रहा था कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट की परिभाषा में शामिल होने वाली असेट है। एक्चुअल में अगर आप इंटेंजिबल असेट्स की इनकम टैक्स में लिस्ट पढ़ोगे तो उसमें गुडविल स्पेसिफिकली कहीं शामिल नहीं है, उसमें लिखा जाता है एनी अदर असेट विच गिव्स राइट टू द बिजनेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुडविल उस कैटेगरी में आएगी और इंटेंजिबल असेट की परिभाषा में आएगी। बैंगलोर ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि बॉस हम क्या करेंगे, इसको परमिट नहीं करेंगे, गुडविल का डिडक्शन परमिट नहीं करेंगे इन इनकम टैक्स लॉस। तो ये डिबेटेबल मैटर है, उसको अपन सिंप्लीफाई यहां पे ऐसे करते हैं, अमलगमेशन यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन पे आ रही गुडविल का अगर आपको डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलना है
तो ऑब्वियस सी बात है आपका टैक्स बेस वहां जीरो होगा, जबकि कैरिंग अमाउंट होगा, इन दोनों के डिफरेंस पे आपको कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनाना है। तो सर एक बात बताओ, कभी अगर डिडक्शन मिल रहा है इनकम टैक्स में तो, हाँ ये हुआ ना सवाल, तो अगर इनकम टैक्स में सपोज गुडविल का डिडक्शन मिल रहा है, तो सपोज 1 रुपए की मेरी गुडविल आ रही थी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैरिंग अमाउंट 1 से 4 हो गया था, अपन एग्जाम्पल लेते हैं चलो 1 से 1 की गुडविल आ रही थी, लेकिन इसका टैक्स बेस कितना है, तो टैक्स में भी 1 का मुझे डिडक्शन मिलेगा एज एन इंटेंजिबल असेट, अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन, वट एवर। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब इस पर्टिकुलर केस में दोनों इनिशियल डेट पर 0-0 हो, यानी सेम वैल्यू पे है, डिफरेंस 0 है, आज कोई डीटीए डिटेल नहीं बनेगा। लेकिन बाद में, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक स्पेशल इशू का डिस्कशन है पर मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, बाद में इंडेस में जो आपने 1 की गुडविल रिकॉग्नाइज करी है वो 1 पे ही आएगी, क्योंकि आपको पता होगा इंडेस में गुडविल अराइजिंग ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज नॉट अमोर्टाइज्ड, रादर इट इज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एवरी ईयर एंड। तो वो 1 की गुडविल 1 पे ही चलेगी जब तक वो इम्पेयर ना हो जाए, या फिर कोई दूसरे चेंजेस बिजनेस कॉम्बिनेशन में ना हो जाए, जैसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वगैरह, तो वो 1 की 1 पे ही चलेगी। लेकिन इनकम टैक्स में आपने सपोज उस पर 25% का डेप्री अमोर्टाइजेशन क्लेम किया, तो अब ईयर एंड पर ये 1 और 0.75 पे आएगी। ये जो डिफरेंस है 1 और 0.75 का, 0.25 का, इस 0.25 के ऊपर अब आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू क्रिएट अ डीटीएल, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। तो बात ध्यान से सुन लो, अगर आपकी गुडविल इनिशियल डेट पर इनकम टैक्स में डिडक्टेबल नहीं है, तो इनिशियल डेट पे कैरिंग अमाउंट 1 है और टैक्स बेस 0 है, कोई डीटीए डिटेल नहीं बनाना, इसलिए अब आपको कोई डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मिलेगा भी नहीं, और अब कैरिंग अमाउंट भी कम ज्यादा होगा, तो आप कोई डीटीए डिटेल नहीं बनाओगे। लेकिन अगर आपकी गुडविल डिडक्टेबल है अंडर टैक्स लॉस, देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू विल हैव टू डू इज, टैक्स में उसकी वैल्यू टैक्स बेस 1 है, अकाउंट्स भी 1 है, यानी कैरिंग अमाउंट 1, टैक्स बेस 1, इनिशियल डेट पे नो डीटीएल, बट जैसे जैसे आपका कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस चेंज होते जाएगा, उसके डिफरेंस के ऊपर डीटीए डीटीएल बनाना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट चेंज होगा ड्यू टू इंपेयरमेंट और अदर एडजस्टमेंट्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, टैक्स बेस चेंज होगा ड्यू टू अमोर्टाइजेशन, जो भी कारण से चेंज हो रहा है डिफरेंस पे ईयर एंड पे डीटीए डीटीएल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि डे वन पर अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों में फर्क है, तो उन दोनों के डिफरेंस के ऊपर क्या डीटीए डीटीएल बनेगा, बनना चाहिए, पर पैरा 15 बोलता है डीटीएल मत बनाना। कब? ए, अगर वो डिफरेंस बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप डीटीए डीटीएल बना देना, एक्सेप्ट ऑन गुडविल। अब सवाल उठता है कि डे वन पे ही देर इज अ रिकॉग्निशन डिफरेंस, यानी कैरिंग अमाउंट डे वन पे इनिशियल डेट पर जब हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अलग अलग है, अब ये दोनों अगर अलग अलग हैं, तो इस केस में अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या मैं इन दोनों के कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस पे डीटीए डीटीएल बनाऊं? तो ये कहता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर डिफरेंस कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में है, तो इस डिफरेंस के ऊपर आप कोई डीटीए डीटीएल मत बनाना, हेंस सब्सिक्वेंटली डिफरेंस के रिवर्सल पे भी कोई डीटीए डीटीएल रिवर्स मत करना, प्रोवाइडेड इनिशियल डेट पर अकाउंटिंग या टैक्स प्रॉफिट्स दोनों में से कोई भी चीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आया हो। हेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाला आप इंपैक्ट एग्जांपल देखो, इससे आपको समझ में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैरिंग अमाउंट 0 क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप डेफर नहीं कर सकते, एसेट नहीं दिखा सकते, पीएनएल में पहले दिन ही खर्चा बुक करोगे। लेकिन टैक्स बोलेगा 5 साल में आप इसका हौले हौले डिडक्शन क्लेम करो, तो टैक्स बेस 50 है, अकाउंट्स में इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। हेंस इनिशियल डेट पर अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन डिफरेंस है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में, यूजुअली इस पे डीटीए डीटीएल नहीं बनाते हैं, बट अगर इससे अकाउंटिंग या टैक्स प्रॉफिट अफेक्ट हो रहे हैं, तो डीटीए डीटीएल बनेगा। कब अफेक्ट हो रहे हैं? इनिशियल डेट पर। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनिशियल डेट पे डिफरेंस आ रहा है, किस इंपैक्ट आ रहा है किस पे? अकाउंटिंग प्रॉफिट पे, क्योंकि ये 50 पी एंडल में अकाउंट्स में गया, हेंस इसके ऊपर डीटीए डीटीएल बनेगा। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च की 100 की असेट खरीदी, जिसका पहले ही दिन टैक्स बेस 125 रिकॉर्ड हुआ, जिसका आपको 125 का डिडक्शन आने वाले समय में मिलेगा, तो यहां पे अकाउंट्स और टैक्स दोनों के बेस अलग अलग हैं, और इन दोनों के बेस के डिफरेंस के बावजूद भी आज इनिशियल डेट पर, बाद में नहीं, आज इनिशियल डेट पर अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, हेंस इन दोनों के डिफरेंस पे कोई डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं होगा।
ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पशन या एक्सेप्शन पैरा 15, पैरा 24, 15 DTL, 24 DTA दोनों में सेम है. हिंस इन दिस पर्टिकुलर केस योर कैरिंग अमाउंट इज 100, टैक्स बेस इज 125, डिफरेंस 25 का है, लेकिन इस 25 के डिफरेंस को हम इग्नोर करेंगे और हेंस इस डिफरेंस के ऊपर कोई डीटीए डीटीएल का क्रिएशन नहीं होगा. अगर करते तो इस पे हम डीटीए बनाते, पैरा 24 नहीं बनाने देगा. लॉजिक इसका क्या है? जो चीज आज हमारे प्रॉफिट्स को अफेक्ट ही नहीं कर रही है, ना अकाउंट्स के ना टैक्स के, बेवजह उस डिफरेंस के टैक्स को प्रॉफिट में ले जाके कोई मतलब नहीं है. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ पैरा 15 बेसिकली टॉक्स अबाउट. पैरा 24 डीटीए से रिलेटेड है, वो भी इन्हीं लाइंस पे बनाए हैं, हल्का सा डिफरेंस है. पैरा 24 बोलता है इनिशियल रिकॉग्निशन में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में अगर डिफरेंस बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण आ रहा है तो उस केस में आप हमेशा डीटीए डीटीएल बनाना. यानी फिर उस पर्टिकुलर केस में गुडविल वाले केस अगर हुए तो भी क्या होगा? गुडविल वाली अगर केस सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या होगा? गुडविल के ऊपर अगर डीटीए बनने की गुंजाइश है तो भी आप बनाएंगे. अब गुडविल पे डीटीए कब बनेगा? जब कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज्यादा है. यानी मैंने कोई कंपनी एक्वायर करी और उस कंपनी की गुडविल थी जो बुक्स में उसकी 100 रुपए की आ रही थी, लेकिन मैंने उसको वैल्यू किया और 60 पल लेकर आया, तो प्रैक्टिकली अब मेरा अकाउंट्स में उसका कैरिंग अमाउंट 60 है पर टैक्स बेस 100 है. अब टैक्स बेस 100 है, अकाउंट्स में 60 है, ये डिफरेंस तो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है. हेंस इसके ऊपर डीटीए बनेगा. क्योंकि इसके ऊपर डीटीए बनेगा तो आप डीटीए बना सकते हो. पैरा 24 में गुडविल के डिफरेंस के ऊपर डीटीए डीटीएल बनाने की कोई मनाही नहीं है. 15 डीटीएल की है, 15 मना करता है डीटीएल नहीं बनाओगे. पैरा 24 डीटीए डीटीएल मैंने बोला वो सही नहीं है. मैं बोलना चाहिए, मुझे बोलना था पैरा 24 में गुडविल के डिफरेंस से अगर डीटीए बनता है तो बना दीजिए. आया समझ में? हेंस पैरा 24 में बिजनेस कॉम्बिनेशन में इनिशियल डेट पे डिफरेंस है तो डीटीए डीटीएल बनेगा. इसके अलावा कोई भी डिफरेंस है तो डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा जब तक कि उसका इंपैक्ट अकाउंटिंग या टैक्स दोनों में से किसी भी एक जगह या दोनों जगह प्रॉफिट्स में नहीं आ रहा. अगर वो अकाउंटिंग या टैक्स प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं देन इन दैट पर्टिकुलर केस इनिशियल डेट के डिफरेंस पे भी डीटीए डीटीएल बनेगा. क्योंकि आज कोई चीज पीएनएल में गई है तो उसके डिफरेंस भी आगे जाके, टैक्स डिफरेंस भी आगे जाके पीएनएल में जाएंगे. I'll take one example to conclude this whole discussion and keep it very, very short. We take lot many more examples in our faster batch or in the regular batch, but I hope I have taken enough example to give you the whole concept. Please understand what I'm trying to tell you is one. I'll give you an example to understand this. एक मुझे सरकार से 500 रुपए की ग्रांट मिली. चुनावी वर्ष आने वाला है तो सरकार खूब ग्रांट बांट रही है, 500 रुपए की मुझे भी मिली. अब ये 500 रुपए की ग्रांट जो मुझे मिली है इसकी अकाउंटिंग मैंने क्या की? 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि ये 500 रुपए की ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट मैंने अपनी बुक्स में लाइबिलिटी शो करी, कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी का हुआ इसका. I've shown it as a liability. लेकिन इनकम टैक्स में ये 500 रुपए की जो ग्रांट है ये पूरी की पूरी आज ही टैक्स हो गई. तो इनिशियल डेट पर कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी का 500 है और टैक्स बेस इसका 0 है क्योंकि पूरी टैक्स हो गई है. इनिशियल डेट पे डिफरेंस है तो डीटीए डीटीएल नहीं बनाते, पर क्योंकि इससे टैक्स प्रॉफिट अफेक्ट हुए हैं इसलिए इसके ऊपर मुझे डीटीए डीटीएल का क्रिएशन करना होगा. लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट 500 है लेकिन टैक्स बेस 0 है, इसका मतलब इस पे डीटीए बनेगा. सपोज मुझे 500 रुपए की ग्रांट मिली जिसको मैंने अपनी बुक्स में लाइबिलिटी दिखाया है और इनकम टैक्स में ये टैक्स फ्री है, यानी ना आज ना आने वाले समय में कभी इस पे टैक्स लगना ही नहीं है. देन इन दैट पर्टिकुलर केस अकाउंट्स में लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट 500 है लेकिन टैक्स बेस 0 है और आज की तारीख में
दोनों में ये जो डिफरेंस इनिशियल डेट पर आया है, इससे ना अकाउंटिंग प्रॉफिट अफेक्ट हुए हैं ना टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि एग्जम्प्ट है ये पूरी तरह से, हेंस इस डिफरेंस के ऊपर कोई डीटीए डिटेल नहीं बनेगा। अब हो सकता है कि ये वाली लाइबिलिटी आने वाले समय में आप हौले हौले पी एंड एल में ट्रांसफर करो, क्योंकि आपको पता होगा इंड एस में गवर्नमेंट ग्रांट्स हमेशा रेवेन्यू नेचर की मानी जाती है, तो ये ओले ओले पी एंड एल में जाएगी तो आपका कैरिंग अमाउंट कम होते जाएगा, टैक्स बेस तो जीरो का जीरो ही रहेगा। आज का डिफरेंस अगर डीटीए डीटीएल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आने वाले समय में जो चेंजेस इसमें होंगे वो भी डीटीए डीटीएल की एलिजिबिलिटी में नहीं जाएंगे, यानी फ्यूचर में भी इस पे कोई डीटीए डीटीएल क्रिएशन नहीं होगा। सर कभी ये गवर्नमेंट ग्रांट को हम असेट की कॉस्ट से कम कर देते, इंड एस में अलाउड ही नहीं है असेट की कॉस्ट से कम करना, अदरवाइज अपन वो एस्पेक्ट भी डिस्कस कर सकते थे। तो ये बेसिक रूल लॉजिक है दोस्तों, इसको मैं एक बार पूरे को समराइज कर देता हूं। ये तीन चीजें तुमको समझ में आ गई तो आई थिंक इंड एस 12 का पूरा लॉजिक तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर होल डिस्कशन? सबसे पहली बात, इस साल जो आपको एज पर इनकम टैक्स टैक्स पे करना है वो करंट टैक्स एक्सपेंस अलग करो। इसके अलावा आप एक काम ये करो कि आप ये देखो कि मैचिंग प्रिंसिपल के अनुसार इस साल अगर कोई इनकम बुक हुई है जिसपे टैक्स नहीं दिया है, या आपने कोई इस साल खर्चा बुक किया है जो टैक्स में क्लेम नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर रिस्पेक्टिवली डीटीएल डीटीए बनना चाहिए। इसके लिए इंड एस का लॉजिक अपनाओ, क्रिएट अ टैक्स बैलेंस शीट, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। इंड एस का कॉन्सेप्ट क्या है? इंड एस बोलता है बैलेंस शीट में आप कैरिंग अमाउंट देखो और उसका टैक्स बेस देखो। असेट्स में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है तो डीटीएल, उल्टा है तो डीटीए। लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है तो इस केस में यू विल क्रिएट अ डीटीए, यू विल क्रिएट अ डीटीए, उल्टा है तो डीटीएल होगा। डेफिनेशन टैक्स बेस की असेट्स के लिए क्या है? कैरिंग अमाउंट माइनस वो पैसा जिसका आने वाले समय में हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट माइनस आने वाले समय में जिस पैसे को हमें इनकम ऑफर, या इनफैक्ट आने वाले समय में हम जो पेमेंट करेंगे जिस पेमेंट का हमको डिडक्शन मिलेगा वो छोड़ दीजिए। मैंने जो फंडा बताया वो अपनाइए। फंडा मैंने बताया, आप तो ये सोचो कि अगर मैं अकाउंटिंग एज पर इनकम टैक्स लॉ करता तो मेरी बुक्स में कितने की असेट या लाइबिलिटी आ रही होती, वो टैक्स बेस। असेट्स में टैक्स बेस कम है तो डीटीएल, लाइबिलिटी में टैक्स बेस कम है तो डीटीए, एंड वाइस वर्सा। बस ये ध्यान रखना कि इनिशियल डेट पर ही अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस है, तो अगर ये डिफरेंस बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण आया है तो उस स्पेस में डीटीए हमेशा रिकॉर्ड होगा। डीटीएल गुडविल है तो गुडविल पे रिकॉर्ड नहीं होगा, अदर देन गुडविल के डिफरेंसेस पे रिकॉर्ड होगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा अगर इनिशियल डेट में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस इन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस के ऊपर आप कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनाओगे, प्रोवाइडेड इनिशियल डेट पर ये जो डिफरेंस आया है इसके साथ साथ हमारे अकाउंटिंग या टैक्सेबल प्रॉफिट कहीं भी अफेक्ट नहीं हुए। अगर डे वन पर अकाउंटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट अफेक्ट हो रहे हैं और उस कारण से इनिशियल डेट पर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर डीटीए डीटीएल बनाया जाएगा। यहाँ पैरा 15 और 24 दोनों एक्सेप्शन एक समान है। इसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू क्रिएट अ डीटीए डीटीएल। डीटीए जब भी बनाओगे, क्यों? क्योंकि डिफर्ड टैक्स असेट एक ऐसा असेट है जिसमें आप कह रहे हो कि आज मैंने टैक्स ज्यादा पे किया है, कम कल पे करना पड़ेगा, कल कम पे करना पड़ेगा, हेंस प्रूडेंस यहाँ पर लगेगी। प्रूडेंस क्या कहती है? आप डीटीए बना सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, यानी एक कंपनी की कुछ चीजों पे डीटीए बन रहा है, कुछ पर डीटीएल, यानी डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ज्यादा क्लेम किया तो टैक्स बेस कम हो गया तो डीटीएल बन रहा है। 43 भी आइटम पे मेरा प्रैक्टिकली लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है तो डीटीए बन गया। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका डीटीए बन रहा है, ये डीटीए के अगेंस्ट में आपके पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस हैं जिससे आप ये डीटीए सेट ऑफ कर सकते हो। अगर कब मानेंगे कर सकते हैं? जब टैक्स लॉज अलाउ करते हैं, प्लस जब आपको लगता है कि जब डीटीएल रिवर्स होगा तभी ये डीटीए भी रिवर्स होगा, या डीटीए रिवर्स हुआ डीटीएल बाद में रिवर्स हुआ तो भी हम इसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे सेट ऑफ कर पाएंगे, देन इन दैट पर्टिकुलर केस तो आप डीटीए रिकॉग्नाइज कर लो। यानी डीटीएल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है तो डीटीए उस एक्सटेंट तक रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रूडेंट।
पर सफिशियंट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस या टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस नहीं है तो फिर आप डीटीए कब बनाना, जब प्रोबेबल हो, इट सेज व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट कंपनी विल अर्न फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगेंस्ट विच सच डीटीए कैन बी सेटेड ऑफ either in the same year when the DTA would reverse or if the DTA can be carried forward in any of the years till which we can carry forward the deductible temporary differences. सिंपल सी बात है, डीटीएल है तो उतना डीटीए रिकॉर्ड कर लो, डीटीएल नहीं है तो डीटीए तभी रिकॉर्ड करना जब प्रोबेबल है, प्रोबेबल मतलब मोर लाइकली दैट फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे जिससे आप ये डिफर्ड टैक्स एसेट सेट ऑफ कर पाओगे. लेकिन यहां पे ध्यान रखना, एज पर इंडियस 12 डीटीए तीन केसेस में बनाए जाते हैं, एक डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस जो अभी तक पढ़ रहे थे, दूसरा कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस जिसे ये बोलते हैं अन यूज्ड लॉसेस, और तीसरा मैट क्रेडिट रिसीवेबल जिसे ये बोलते हैं अन यूज्ड टैक्स क्रेडिट्स. अनयूज्ड टैक्स लॉसेस या अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट अपनी भाषा में कैरीड फॉरवर्ड लॉस, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं कुछ लोग, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरीड फॉरवर्ड लॉस, और मैट क्रेडिट रिसीवेबल. अगर ऐसी कोई चीज आपके पास है तो उस केस में आप उस पर डीटीए कब बनाना, ए अगर आपके पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है तो आप बना ही सकते हो उस एक्सटेंट तक, लेकिन वो नहीं है तो यहां पर सिर्फ प्रोबेबल होने से काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉसेस सफर कर रही है तो आगे प्रॉफिट्स होने के चांसेस ऐसे भी प्रोबेबल नहीं बचे, इसलिए यहां पे शब्द चेंज करके बोलते हैं देयर शुड बी कन्विंसिंग एविडेंसेस ऑफ अर्निंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन फ्यूचर. तो अनयूज्ड टैक्स लॉसेस और अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट पे डीटीए तभी बनाना व्हेन यू ईदर हैव अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और एल्स कन्विंसिंग एविडेंसेस ऑफ अर्निंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन फ्यूचर एग्जिस्ट. दोस्तों ये चीजें अगर आप इंडेक्स पढ़ने बैठोगे ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिए कि उसको डिसाइफर करना मुश्किल है. आई हैव क्रिएटेड दिस चार्ट फॉर द फास्टर बैच इन सच अ मैनर दैट इट सिंप्लीफाइज द थिंग. और कृपा करके एक चीज ध्यान रखना, इनफैक्ट अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे मेरे तो आप एक चीज समझोगे, व्हेन आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दीज स्टैंडर्ड्स फॉर यू थ्रू दीज लेक्चर्स, माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स एंड नॉट गेट इन टू द डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑल टूगेदर. मेरा उद्देश्य दोस्तों ये नहीं होता है कि मैं डिफिकल्ट चीजों को स्किप करके इजी इजी चीजों को अपन दिमाग में रख लें ये सोच के कि पेपर ज्यादातर इसी से आएगा तो सॉल्व हो जाएगा. मेरा मानना है कि भले ही आपका 80% पेपर सिंपल चीजों से आए, पर आप 80% तैयारी करके जाओगे तो जो 20% आपको नहीं आता है वो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा डाउन करेगा कि आपको 80% भी एग्जाम में सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है. लेकिन अगर आप 100% तैयारी करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बुलंद रहेगा कि 80% तो आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा जो एग्जाम में इजी मीडियम लेवल का था. तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लिकेटेड सारी चीजें कंसिडर करते हैं, बट आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दोज थिंग्स इन सच अ फैशन सो दैट इट गेट्स इन टू आर हेड. वी डोंट स्किप एनीथिंग पर से एज सच. Anyways, that is something which you should give me a feedback in terms of how do you kind of feel that. हालांकि कुछ students I really appreciate कि उन लोगों ने ये चीज समझी, और मेरे कहने से पहले YouTube के comments में there have students who have mentioned this particular thing that sir you simplify things and then you use the technical terms so that we can understand those terms also and you don't oversimplify and do not take the tough concepts which proves to be harmful in the long run. I appreciate that empathizing of you know what we are trying to do. With that particular student. So, anyways, DTA का आपको समझ में आया, prudence का concept रहेगा, और DTA में यहाँ पे components इस तरह से रहेंगे. ध्यान रखना, AS में mad credit receivable को DTA नहीं बताते थे, उसको आप separate asset show करते थे. Measurement के लिए भी यहाँ फंडा थोड़ा सा AS से अलग है. Tax rate आप वो use करो जो आपको लगता है आपके temporary difference को tax करते समय लगेगी. यानी आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे आने वाला है तो LTCG की टैक्स रेट यूज करो, नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे तो नॉर्मल टैक्स रेट यूज करो. यानी आप वो टैक्स रेट यूज करो जो आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है. यहाँ एक स्पेशल इश्यू भी डिस्कस किया है कि अगर एंटिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, टैक्स स्ट्रक्चर, वो कब होता है, जब सपोज आप इंडिविजुअल से कंपनी में कन्वर्ट हो गए, या से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फॉरेन कंपनी में अपना बेस शिफ्ट किया जहां से आपके टैक्स रेट चेंज हो सकते हैं. आपने देखा होगा ना आजकल होता है छोटी कंपनियों का 25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, लार्जर कंपनीज का वही 30% है. तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडेस कहता है कि
अब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो अब आप क्या करो, जितनी चीजों पे अब आपको ज्यादा टैक्स देना है आप उन सबको आज अकाउंट फॉर करो। जिसका खर्चा पीएनडीएल में पहले गया था वो आज पीएनडीएल में डालो, जो ओसीआई से बुक हुआ था वो ओसीआई से बुक करो। एक छोटा सा एस्पेक्ट यहाँ पे और ध्यान रखना, इक्विटी में कभी भी हम डिफरेंस नहीं देखते, यानी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, टैक्स बेस की जो मैंने कंसेप्ट दिया उसमें सिर्फ असेट और लाइबिलिटी के टैक्स बेस निकालना, अकाउंट्स में इक्विटी कितने पे वैल्यू हो रही है, टैक्स में कितने पे हो रही है, डिफरेंट भी है, तो उसके ऊपर कभी भी हम कोई किसी प्रकार का डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं करेंगे। लॉजिक ये है, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। अगर आप असेट और लाइबिलिटी के डिफरेंसेस पे डीटीए डीटीएल बना रहे हो और उधर आप इक्विटी पे भी बनाने लग गए, तो ये पूरा आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो पे ले आएगा। तो असेट और लाइबिलिटी के डिफरेंस पे ही इसलिए डीटीए डीटीएल बनाया जाता है। आई एम नॉट गेटिंग टू टू मेनी लॉजिक्स नाउ, वो रेगुलर क्लास के लिए छोड़ते हैं अपन। चलिए, तो डीटीए का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट टैक्स रेट, एक्सपेक्टेड टैक्स रेट लोगे। अगर स्लैब रेट्स हैं तो आप देख लीजिए आपकी एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आ रही है, यानी इस साल की इनकम अगले साल के टैक्स रेट से अगर टैक्स करता तो एवरेज टैक्स रेट क्या बैठता, वो टैक्स रेट कंसिडर कर लो। सर आपने कहा अगले साल का टैक्स रेट, अगले साल का टैक्स रेट क्यों? तो आपको पता होगा, ये इस पढ़े होंगे, अगर आपने जितने टेम्पररी डिफरेंसेस है वो रिवर्स जब होंगे तब जो टैक्स रेट लगेगी वो टैक्स रेट आपको लेना है। अब ये रिवर्स तो डेफिनेटली आने वाले सालों में ही होंगे, तो हो सकता है कि आने वाले सालों की टैक्स रेट इस साल की टैक्स रेट से अलग हो, तो फिर आपको फ्यूचर टैक्स रेट लेना है जो आने वाले सालों में होगी। सर वो हमें कैसे पता पड़ेगी? उसके लिए इंडेस कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने तक अगर नई टैक्स रेट सब्सटैंशियली इनेक्ट हो चुकी है तो उस केस में आप नई टैक्स रेट कंसिडर करना फॉर डीटीए डीटीएल। ध्यान रखना, बैलेंस शीट डेट में आपको सपोज अंदेशा था कि बजट आ गया सपोज फरवरी में और उन्होंने टैक्स रेट चेंज कर दी अगले साल की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होते होते सपोज प्रेसिडेंट ने पास भी कर दिया फाइनेंस बिल और वो टैक्स रेट इनैक्ट हो गई, या नहीं किया है पर हमें लग रहा है पास कर देगा, सब्सटैंशियली इनैक्ट हो गई, तो आप वो टैक्स रेट यूज कर सकते। लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट के बाद ही कोई टैक्स रेट नए क्रिएट हुए हैं तो फिर उसे आप कंसिडर नहीं करोगे। ध्यान रखना प्रोविजन क्या कहता है, सब्सटैंशियली इनेक्टेड टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड बट कंडीशन शुड एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो उस केस में आप नई टैक्स रेट कंसिडर कर सकते हो, नॉट अदरवाइज। मेजरमेंट में ध्यान रखना जितना डीटीए उन सबको रीएस्टिमेट करना। अकाउंटिंग मैंने बता दिया, खर्चा पीएनएल में तो उसका टैक्स भी पीएनएल में, ओसीआई में तो टैक्स भी ओसीआई में। कोई चीज सीधे रिजर्व्स में जा रही है तो फिर उसका टैक्स इफेक्ट भी सीधे रिजर्व्स में जाएगा। एंड बैलेंस शीट में डीटीए डीटीएल के प्रेजेंटेशन के बारे में इंडेस बहुत सारी बात नहीं करता है, पर वो बोलता है लीगली सेट ऑफ कर सकते हैं आपस में, तो ऑफसेट कर देना। तो प्रैक्टिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग का डीटीए सब्सिडरी के डीटीएल से सेट ऑफ मत करना, क्योंकि लीगली आप होल्डिंग और सब्सिडरी को अलग अलग टैक्स करते हैं, इसलिए इन दोनों के डीटीए डीटीएल आपस में ऑफसेट नहीं होंगे। पर 43 भी आइटम पे डीटीए बनाया और डेप्री के कारण डीटीएल बनाया, ये दोनों बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएंगे, इन दोनों को सेट ऑफ करके नेट डीटीए डीटीएल आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आपके बहुत सारे स्पेशल इश्यूज हैं जिनको पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, फॉरन ऑपरेशन, रिवैल्यूएशन, मैट डीडीटी एंड फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। अब अपन आते हैं कंपेरिजन पे। आईसीआई ने जो अपने मटेरियल में कंपेरिजन दे रखे, सो हियर वी टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर वेयर आई एम कंपेयरिंग द इंडेस अलॉन्ग विद द एएस। इंडेस और एएस में अब डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा बहुत सिंपली। सबसे पहला अप्रोच अलग है, इंडेस इज बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट अप्रोच, एएस इज बेस्ड ऑन पीएनएल अप्रोच। पैरा 1524 के एक्सेप्शंस दिए गए हैं आपको इंडेस में, जबकि एएस में परमानेंट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता था कि अगर परमानेंट डिफरेंस है तो हम डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं करेंगे। सॉरी, डीटीए रिकॉग्निशन में ये तो अप्रोच हो गया पहला। सेकंड लिमिटेड एक्सेप्शन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए, एएस 22 में बोलते थे डीटीए रिकॉर्ड कब करना, जब रीजनेबल सर्टेनिटी हो कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, पर कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस पे वर्चुअल सर्टेनिटी होना चाहिए। वर्चुअल सर्टेनिटी मीन सर्टेनिटी विच इज सपोर्टेड बाय फैक्चुअल एविडेंसेस एंड नॉट जस्ट प्लान्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इंडेस में डीटीए
कब क्रिएट किया जाएगा? जब आपके पास टीटीएल हो, यानी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, या फिर आपको लगता है प्रोबेबल दैट यू विल अर्न फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स, लेकिन अनयूज टैक्स लॉसेस या अनयूज टैक्स क्रेडिट के लिए अगर आपके पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है तो डीटीए क्रिएट कर सकते हो, नहीं है तो तभी करना व्हेन देर आर कन्विंसिंग एविडेंस टू अर्न टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। वर्चुअल सर्टेनिटी की बजाय यहां पे हम कन्विंसिंग एविडेंस यूज करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट उससे रिलेटेड है। डिस्क्लोजर ऑफ डीटीए डीटीएल AS 22 बताता था कि नॉन करेंट के अंदर शो करेंगे। एज सच इंड एस में हम शो इसे नॉन करेंट असेट और लाइबिलिटी में करते हैं, बट ये इंड एस नहीं बताता, ये शेड्यूल 3 बोलता है। इंड एस इसलिए नहीं बताता क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो IFRS में डीटीए डीटीएल को भी करंट नॉन करंट क्लासिफाई किया जाता है। इंडिया में हम नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि इंड एस बोलता है नॉन करंट दिखाओ, नहीं, शेड्यूल 3 बोलता है कि दोनों को हमेशा नॉन करंट असेट और लाइबिलिटी के हेड में ही दिखाएंगे। एस स्पेसिफिकली ये चीज कहता था। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज सच हमेशा इंडेस में ज्यादा होती है। रिवैल्यूएशन पे इंडेस 12 में डीटीए डीटीएल बनेगा लेकिन एएस में नहीं बनता था, उसे परमानेंट डिफरेंस मानते थे। एंटिटी का टैक्स स्टेटस या स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो मैंने अभी समझाया, इंडेस में उसकी बात की है कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, एएस में नहीं की गई। वर्चुअल सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ AS 22 में होता था। टैक्स हॉलिडे पीरियड ATIAIB में किस तरह से डीटीए डीटीएल कैलकुलेट होगा इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने इंटरप्रिटेशन के माध्यम से गाइडेंस दी थी। इंडेस में ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, बट जरूरत भी नहीं है क्योंकि इंडेस में हम सिर्फ बोलते हैं जो टैक्स हॉलिडे में डिफरेंस रिवर्स होने वाले हैं। आप सोच लो जिस साल डिफरेंस रिवर्स होगा उस साल आपकी टैक्स रेट क्या होगी, 0 है तो 0 डीटीए डीटीएल, उसके बाद होगा तो उसके बाद का डीटीए डीटीएल। सो दीज आर बेसिकली योर डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडेस। सिमिलरली ये जैसे 115JB आपको बोला गया है, मैट के बारे में AS 22 स्पेसिफिक गाइडेंस देता था, इंड एस स्पेसिफिक नहीं देता है, बट उसके प्रोविजन ऐसे एक्सप्लेन्ड है कि उसका भी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से दिस कवर्स अप आवर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ऑफ इंड एस 12 एंड कंपेरिजन ऑफ इंड एस 12 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। दिस कवर्स वन मोर इंड एस कंपेरिजन अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। I am sure there are a lot of requests which I am getting to upload as many as revisions which are possible. थोड़ा लेट भी हो गया as such हम, क्योंकि अब एग्जाम सर पर है। I really don't think now you have too much of time as such to see the revisions. These revisions I have been creating specifically for you guys, recording them in such a manner so that it saves a lot of time. क्योंकि regular class के lectures comparatively इससे थोड़े से lengthy हो सकते हैं। So I am trying my best in terms of to share with you as much as possible. This is one more standard which I think would be really, really helpful for you. Thank you very much, and do put in your comments in the comment box in terms of how did you like this particular lecture and how did you like our concept of explaining Ind AS 12. Thank you for watching.